तो देख भाई साहब क्या, ओ भाई साहब, ओ, अरे भाई ये क्या कर रहा है? हाँ ये तो मेरा काम है ना भाई, आप लोग आपका काम कर रहा है, बंद करवा रहा है काम, नहीं करवा रहा है ना? स्कूल और ये तो अक्टूबर, ये टिकट लेने से 1 करोड़ मिलता है क्या भैया? हे दोस्तों नमस्कार, सेवा रहो, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है मस्त और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों अभी मैं हूँ न्यू दीघा पर और आप देख सकते हैं ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, ये सब होटल है और अभी हम लोग जा रहे हैं बीच की साइड। वेस्ट बंगाल के लोग आते हैं अपना छुट्टियां मनाने के लिए, वैकेशन मनाने के लिए बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। आज आपको दिखाने वाले हैं बीच का नज़ारा। 40 डिग्री सेल्सियस गर्मी है यहाँ पर, शाम को दिखाएंगे यहाँ का सी फूड किस तरीके से होता है। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे हूँ। अच्छे है ना? तो इसको क्या बोलता है ये जो जा रहा है टुक टुक? अरे भाई तो मेरा भाई ने मेरा लोगो भी लगा लिया है। तो देख भाई साहब क्या भीड़ है। तो कैसा लग रहा है भैया? छुट्टियों का मजा तो ये लोग ले रहा है भाई। वो बोर्ड कितना है? एक आदमी का 200। ओ भैया क्या ढूंढ रहे हो? तो दोस्तों दीघा घूमते घूमते मिल चुका है क्या यादव गैंग? दीघा के कैसा लगा? बहुत मजा, बहुत एंजॉय किया। अभी मैं जा रहा हूँ बोट में चढ़ने के लिए। ना फोटो नहीं कराएंगे, मेरा खुद का कैमरा है ये, गोप्रो और मोबाइल भी है। तो आपके पास लाइफ टाइम रहेगा, लेकिन आपको खाना के देंगे उसके बाद पेमेंट, अभी पैसा नहीं चाहिए। ठीक है तो भाई फर्स्ट टाइम मजा ले रहा हूँ। ये क्या बोर्ड है? राफ्टिंग स्पीड बोट। ना भैया मुझे फोटो नहीं लेना भैया, प्लीज सॉरी। हाँ खराब मत पाइए। कितना किलोमीटर तक जाएगा अंदर? 2 किलोमीटर अंदर, 2 किलोमीटर इधर में आने के लिए ना। इधर इधर, अरे भाई साहब। तो अंदर घुस जाए, अंदर उधर जाए क्या? नहीं आगे नहीं, आगे नहीं, आगे नहीं। तो भाई यहाँ ये रस्सी है, ये पकड़ के रखना है, कहीं उलट ना जा रहा है। बहुत खतरनाक वाला हेडकोले मार रहा है, ये समुंदर का लहर है कि नहीं? तो स्लिप होते होते मैं तो गिर ही गया था थोड़ा में भाई साहब। तो कुछ इस तरीके से देखो, आप लोगों को मजा आ रहा है? मजा आ रहा है सबको, मजा आ रहा है। मजा देखो, एडवेंचर का मजा यही तो है समुंदर का बीच में भाई। तो दोस्तों ये पीएम बंगाल सागर में हम लोग घूम रहे हैं। तो पहुंच गए भाई, बहुत ही मजा आया। फोटो नहीं है भैया, सॉरी भैया, अरे भाई ये क्या चल रहा है? ना 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 भाई, ये क्या चल रहा है भाई? कुछ इस तरीके से अरे भाई ये पानी तो एकदम नमकीन है, बहुत सारा नमकीन पानी है समुंदर का भाई, मुंह कड़वा हो गया। तो यहाँ पर क्या क्या सीन देखने को मिलता है भाई? ओ अरे पता नहीं ये लोग इतने देर से ये कड़वा पानी में किस तरीके से नहा रहा है। अरे चश्मा बहुत डेंजर हो गया था। विकास सुपर ब्लॉग, विकास सुपर, क्या ढूंढ रहे हैं भैया? सूती 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 क्या मतलब?
सोना 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 बूट खोज रहे हो क्या? क्या दीदी ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। तो कुछ ढूंढ रहा है क्या है यार अंदर? कुछ भी नहीं है। कितना है एक सवारी का? लॉन्ग जाएगा 200 रुपये लगेगा, घूम जाएगा, क्लिप भी चला, फोटो भी खिंचा लोगे। ये है दोस्तों ओरिजिनल घोड़ा भाई साहब, शाम देखो भाई। तो ऐसे घिसड़ घिसड़ के क्यों जा रहे हो? मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया। क्या दीदी क्या खोज रहे हो? जीनू। क्या है भाई जिस जगह में वो पत्थर था शायद मुझे लग गया, जल रहा है भाई। आ गया ये देखिए चिंगड़ी, मिसामास, मिसामास कहते हैं इसे, मिसामास। कैसा लगा? एक ही साथ में तो किया। हाँ एक ही साथ में बोर्ड में ना, सारा एंजॉय किया। तो दोस्तों अभी शाम का बज चुका है 6:15, अभी मैं आपको दिखाने का कोशिश करूंगा ऑल दीघा का सी फूड मार्केट कैसा है। तो चलिए दोस्तों। भैया ऑल दीघा चलोगे क्या? दो है, 100 रुपये, 100 रिजर्व, शेयरिंग नहीं मिलेगा क्या? नहीं ऑल दीघा कितना? 20 रुपये। भटभटी गाड़ी? भटभटी गाड़ी। आसाम से? आसाम। हाँ ओल्ड दीघा में हम लोग पहुँच चुके हैं, चलेगा। कल एक साथ जाएंगे मछली देखने के लिए, ठीक है? वीडियो वीडियो ब्लॉग यूट्यूब चैनल, यूट्यूब चैनल के नाम विकास सुब्बा ब्लॉग। क्या बन रहा है भाई ये? आइसक्रीम 2 लीटर कोल्ड ड्रिंक्स मिलेगा, 1000 रुपया मिलेगा, बनने से पैसा नहीं लगेगा। कौन सा लाइन में लगाने से? ये बीच वाला? हाँ हाँ। क्या है गुली? वो दाल दाल में टूरिस्ट स्पॉट ना, इसी सब। दो फोड़ा एक गुली में दादा, दो फोड़ा दो पाउंड में पाँच रहेगा। अरे इधर इधर बढ़िया। और अरे ये इसमें गोली नहीं था भाई। दादा भैया को पूछ रहे ना, ना ये किस जगह गोली खेल रहे? अरे फ्लैश लाइट मार रहे ना सब। अरे भाई यहाँ गोली निकला ही नहीं भाई। 2000-3000 रुपया बोल के जाता है, कोई लेके जाता है, कोई देके जाता है। तो तुम क्या कर रहे हो? ये ब्लॉग यूट्यूब चैनल है मेरा, ठीक है? तो ये नहीं करना, सब करना पड़ेगा क्या? अरे करिए तो किसी से कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है जो क्योंकि ये मेरे साथ हो रहा है तो मेरे साथ क्या हो रहा है मुझे दिखाना। वो जो ठीक है आप करिए, पहले से रिकॉर्डिंग देख ले, बोल बोल के दे रहा है अब तो खेल रहा है ना? खेल रहा है लेकिन आप अगर रिकॉर्डिंग देखोगे ना क्या हुआ है तब पता चलेगा क्या। आप ऐसे बोल मत बोलिए, यहाँ पूरा रिकॉर्डिंग है कि बैरल में गोली है या नहीं। आप एक तो मारिए फ्री में, आपको मिल गया ना, मारिए फ्री में, नहीं मारेगा, मार देगा 200 रुपया छोड़ देंगे। आप एक तो मारिए, आप एक तो मारिए फ्री में, मार देगा 200 रुपया छोड़ देंगे, छोड़ देगा फ्री में, फ्री में। अच्छा पकड़िए तो मछली का दुकान है। हाँ ये तो मेरा काम है ना भाई, आप लोग आपका काम कर रहा है बंद करवा रहा है, हम नहीं करवा रहा है ना। तो कुछ इस तरीके से होता है दोस्तों यहाँ पर चीटिंग, क्या ही बताएं, टूरिस्ट को ठगने का कार्यक्रम, लेकिन हम लोग भी ठगा गया है। मेरा बात अच्छा नहीं लगा, मैंने ऐसा क्या बोल दिया आपको? देखो ना आप ही तो बोला मेरा बात अच्छा नहीं लगा, मैंने ऐसा क्या बोल दिया आपको बताइए भाई साहब? क्या यार, तो बच के रहो भाई इस तरीके का लोगों के साथ। जो लास्ट शॉट है देखा ना दोस्तों, कि जो शॉट लास्ट गया वहाँ पर खाली बैरल था, और खाली बैरल का साउंड कैसा था, और जो गोली था वो साउंड कैसा था भाई? ये सब ठगने का काम है, और इन लोगों के साथ कहाँ जीत पाएंगे। तो दोस्तों ये न्यू दीघा में क्या है? क्या है? ग्रिल चिकन है, कबाब है, तंदूर है, मुर्गा है, रोल है। चलते हैं आगे। हेलो भाई यहाँ पर हो तुम लोग? भाई साहब मिट्टी के कप पर हम लोग पी रहे हैं चाय। ये रहा समुद्र का खूबसूरत नज़ारा, और यहाँ पर अभी सी फूड, अभी यहाँ पर सी फूड यहाँ लगाया गया है,
ओ तो ये है भाई साहब, देख सकते हैं भाई कुछ इस तरीके से। तो जो खोज रहा था तो वो तो यहाँ पर है, तो भाई साहब देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज है। ये है केकड़ा, स्क्विड, और ये तो ऑक्टोपस। तो भाई साहब इस तरीके से देख सकते हैं भाई किसका मार्केट, यहाँ बना के भी देते हैं। अच्छा अच्छा, जो भी मच्छी खिलाऊंगा अच्छा मच्छी खिलाऊंगा, अच्छा। रेस्टोरेंट के स्टाइल में खिलाऊंगा, नाम है दुकान का किस पीछा है तो सामने बोर्ड लगा हुआ है देखो। अच्छा अच्छा, बोर्ड को हावड़ा हावड़ा से हो, घूमने आए हो। अभी हम लोग निकल रहे हैं ओल्ड दीघा से, और अभी न्यू दीघा का भी थोड़ा मार्केट आप लोगों को दिखाने का कोशिश करता हूँ। दीघा का ये जो समुंदर का बीच है, तो इस बीच पर समुंदर का हवा खाने के लिए लोग बहुत सारे लोग आ रहे हैं भाई, बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग। ये टिकट लेने से 1 करोड़ मिलता है क्या भैया? अगर ये टिकट एक कितना? 30 रुपया। 30 रुपये एक लेने से अगर नसीब में ये तो मिल जाएगा ना। ये खेल कहाँ होता है? नागालैंड का है। अच्छा अच्छा, ई रिक्शा वाले से मेरा हिंदी भाषा ही समझ में नहीं आया उसको। न्यू दीघा बीच का ये मार्केट आप देख सकते हैं, ये ओल्ड दीघा के मुकाबले थोड़ा यहाँ पर कम है। ये किस तरीके का मीट है? नीला हरा हरा हरीली कबाब, हरीली हरीली कबाब। इसमें क्या कलर दिया हुआ है? नहीं नहीं, पता पदीना पता। अच्छा अच्छा अच्छा, कौन यहाँ थूक के चला गया यार इतना ज़्यादा पानी वानी, कोई मार दो यार। भाई साहब बहुत ही गंदा लग रहा है भाई। तो गाइस आप लोगों को ओल्ड दीघा न्यू दीघा का मार्केट और बीच सब दिखा दिए, और अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। तो क्या करेगा भैया, ये ले जाने सकेगा या नहीं? हाँ भैया ये ले जाने सकेगा या नहीं? बाहर से क्यों बुलाया हमने? किसको? हाँ वो ले जाएगा। नौ 15 बजने वाला है, और आपको एक बात बता दूँ, हम लोगों के साथ आज बहुत ही बुरा चीज़ हो रहा है। अभी यहाँ पर होटल में आए थे तो होटल वालों ने बहुत ही रूड बिहेव किया हम लोगों के साथ। और अगर आप लोग भी आ रहे हो यहाँ पर दीघा, तो आपको बता दूँ दोस्तों, दीघा अगर कोई भी आ रहा है तो होटल मैनेजमेंट से थोड़ा बात कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग पूछ लीजिएगा कि होटल में क्या अलाउ है और क्या नहीं है। अभी हम लोग बाहर से आए थे, लगभग 8:30-9 बजे का बात है, हम लोग बस स्नैक लेके आए थे, चिंगड़ी माछ है ना, झींगा माछ, झींगा मछली, वो 4 पीस था, वो खाने के लिए हम लोग लेके आए थे। और उन्होंने कहा बाहर का कुछ अलाउ नहीं है। जो हम लोग रूम बुकिंग किए उस समय में कोई भी इस तरीके का बात नहीं हुआ था कि आप लोग बाहर का कुछ भी सामान लेके अंदर नहीं आ सकते हो। शायद हम लोगों का फेस देख के नोटिस का बोल के हम लोगों के साथ ऐसा बिहेव किया गया, बहुत रूडली बिहेव किया गया। तो दोस्तों अभी मैं रूम पर आ चुका हूँ, और अभी 10 बज रहा है लगभग रात का, और हम लोगों के साथ क्या क्या इंसिडेंट हुआ सब चीज़ आप लोगों को बता ही दिया दोस्तों, लेकिन कल क्या होता है देखते हैं दोस्तों। और ये ब्लॉग में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जाके कॉमेंट करिए। फिर मिलते हैं दोस्तों नए दिन नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय आसाम।